नमस्कार दृष्टि आई एस के टूडे के आपका स्वागत है सबसे पहले पिछले सेशन का रीकैप देख लेते हैं पहला प्रश्न है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने महिला मोहल्ला क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है इसका सही जवाब है दिल्ली अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है जहाँ रूस स्पुतनिक फाइव वैक्सीन का उत्पादन करेगा इसका सही जवाब है इटली अगला प्रश्न है खबरों में रहा बंडई बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है इसका सही जवाब है ललितपुर अगला प्रश्न है सी का आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है बताइए इसका प्रमुख कार्य क्या है इसका सही जवाब है सरकारी और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की सुरक्षा अगला प्रश्न है राजस्थान में सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है इसका सही जवाब है जयपुर अगला प्रश्न है खबरों में रहा डिप्थेरिया संक्रमण है इसका सही जवाब है जीवाणु जनित अगला प्रश्न है खबरों में रही एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी किसके द्वारा बनाई जा रही है इसका सही जवाब है डीआरडीओ। अगला प्रश्न है भारत का सैटेलाइट मैन किसे कहा जाता है इसका सही जवाब है उडुपी रामचंद्र राव अगला प्रश्न है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं इसका सही जवाब है तीरथ सिंह रावत अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 2020 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है इसका सही जवाब है कोनेरू शुरुआत करते हैं आज के सेशन की सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न खबरों में रहा निसार सैटेलाइट मिशन किसका मिशन है नासा और जाक्सा नासा और इसरो इसरो और जाक्सा या फिर नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी इसका सही जवाब ऑप्शन बी नासा और इसरो इसरो ने निार सैटेलाइट मिशन के लिए सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी एस विकसित किया है निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है यह है एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है इसमें दो विभिन्न रडार फ्रीक्वेंसीज एल बैंड और एस बैंड का प्रयोग किया गया है यह पृथ्वी की सतह में एक सेंटीमीटर से भी कम के परिवर्तन को भी माप सकता है दो में इस मिशन आरोप इसरो और नासा के बीच समझौता हुआ था 2022 में सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है तेलंगाना पश्चिम बंगाल तमिलनाडु या फिर असम इसका सही जवाब ऑप्शन ए तेलंगाना भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेलंगाना के रामागुंडम में बनाया जा रहा है इस साल मई में इसके चालू होने की उम्मीद है इस पावर प्लांट की क्षमता सौ मेगावाट है इस परियोजना की कुल लागत चार करोड़ रूपए है यह पावर प्लांट एन यानी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा शुरू किया जाएगा यह फ्लोटिंग सोलर फोटोवाल्टियोजना श्री राम सागर परियोजना जलाशय की सतह पर 450 एकड़ में फैली होगी यह एक सिंगल लोकेशन पर अवस्थित अब तक का देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है एन कुल 450 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर रहा है जिसमें से 217 मेगावाट फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे 217 मेगावाट के फ्लोटिंग प्लांट्स में रामागुंडम में 100 मेगावाट का फ्लोटिंग प्लांट केरल के कायम कुलम गैस प्लांट में बानवे मेगावाट का फ्लोटिंग प्लांट और विशाखापत्नम में सिमहाद्री पावर प्लांट में 25 मेगावाट के फ्लोटिंग प्लांट की स्थापना की जा रही है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए अगला प्रश्न है किंग भूमि बोल वर्ल्ड साइल डे 2020 पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना केरल कृषि विश्वविद्यालय थ्रिसूर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या फिर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर इसका सही जवाब ऑप्शन सी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आई यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को एफ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिष्ठित पुरस्कार किंग भूमि बोल वर्ल्ड साइल डे 2020 से सम्मानित किया गया थाईलैंड में भारत की राजदूत सुश्री सुचित्रा दुरई ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से इस पुरस्कार को ग्रहण किया आईसी को इस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा पिछले साल विश्व मृदा दिवस के अवसर पर एफ ने की थी मृदा के हेल्थ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आई को यह पुरस्कार दिया जा रहा है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी अगला प्रश्न है अर्जुन सहायक सिंचाई प्रोजेक्ट से निम्नलिखित में से किस जिले के किसानों को सिंचाई सुविधा मिल पाएगी महोबा बांदा हमीरपुर या फिर उपरुक्त सभी इसका सही जवाब ऑप्शन डी उपयुक्त सभी बुंदेलखंड क्षेत्र की दो दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अर्जुन सहायक सिंचाई प्रोजेक्ट से लाखों किसानों की जिंदगी बदलेगी अगले एक दो महीने में इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे इस सिंचाई परियोजना ऐसी महोबा बांदा और हमीरपुर जिले के एक लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी इस परियोजना के तहत मानसून के दौरान धसान नदी के सरप्लस वाटर को सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाएगा धसान नदी पर बने लहचूरा बांध से एकत्रित पानी को एक नहर के जरिए तीन प्रमुख बांधो अर्जुन चंद्रावल कबरई बांधों तक आपूर्ति की जाएगी तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी अगला प्रश्न है जानी मानी शख्सियत श्री कमल दीक्षित का निधन हो गया बताइए उनका संबंध किस क्षेत्र से था पत्रकारिता खेल सिनेमा या फिर विज्ञान इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पत्रकारिता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के वरिष्ठ पत्रकार श्री कमल दीक्षित के निधन पर शोक व्यक्त किया वे अनेक समाचार पत्रों में संपादकीय सलाहकार और प्रमुख संपादक के रूप में काम कर चुके थे उन्होंने प्रतिष्ठित समाचार पत्र जैसे पत्रिका दैनिक भास्कर में अपनी सेवाएं प्रदान की थी वे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं संचार विभाग के विभागाध्यक्ष रहे थे तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए अगला प्रश्न है रेगुलर कमीशन ऑफिसर के तौर पर टेरिटोरियल आर्मी के कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले सेवारत केंद्रीय मंत्री कौन बन गए हैं श्री किरण रिजिजू श्री अनुराग ठाकुर पीयूष गोयल या फिर आर के सिंह इसका सही जवाब ऑप्शन बी श्री अनुराग ठाकुर रेगुलर कमीशन ऑफिसर के तौर पर टेरिटोरियल आर्मी के कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले सेवारत केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर बन गए हैं उन्हें 124 सौ इंफेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी सिख में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया है छियालीस वर्षीय अनुराग ठाकुर को जुलाई दो में लेफ्टिनेंट के रूप में टेरिटोरियल आर्मी में शामिल किया गया था तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी अगला प्रश्न है ललॉयड जे ऑस्टिन थर्ड भारत के दौरे पर आने वाले हैं। बताइए वह किस देश के रक्षा सचिव हैं? रूस फ्रांस अमेरिका या फिर जर्मनी इसका सही जवाब ऑप्शन सी अमेरिका अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन थर्ड भारत के तीन दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं वे आगामी 19 मार्च को भारत आएंगे लॉयड ऑस्टिन भारत के दौरे पर आने वाले बाइडन प्रशासन के पहले ऑफिशियल हैं। इस दौरे के दौरान लॉयड ऑस्टिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेशनल सिक्योरिटी लीडर्स से मुलाकात करेंगे इस मुलाकात में भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करने के साथ साथ एक स्वतंत्र समृद्ध और ओपन इंडो पैसिफिक क्षेत्र और पश्चिमी हिंद महासागर पर चर्चा की जाएगी तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी अगला प्रश्न है बिहार में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट किस स्थान पर है पटना आरा बोध गया या फिर राजगीर इसका सही जवाब ऑप्शन सी बोध गया बिहार में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट बोध गया में स्थित है इस इंस्टीट्यूट के पास अब अपनी बिल्डिंग होगी इस बिल्डिंग को बनाने में पचास करोड़ रूपए का खर्च आएगा यह बिल्डिंग पांच एकड़ भूमि पर बनाई जाएगी अभी इस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए बोध गया में स्थित बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की बिल्डिंग का ही प्रयोग किया जा रहा है यह इंस्टीट्यूट छह विदेशी भाषाओं में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है ये छह विदेशी भाषाएं कोरियन थाई चाइनीज जैपनीज बर्मीज एवं श्रीलंकन है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है यह लैपसेबल रिजर्व फंड होगा इसका निर्माण स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर से प्राप्त होने वाली राशि से किया जाएगा इस निधि को लागू करने और इसकी रखरखाव की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की होगी या फिर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भी इस राशि का उपयोग किया जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन ए यह लैपेबल रिजर्व फंड होगा हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने पी एम एस एस एन प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी यह एक सिंगल नॉन लेप्सबल रिजर्व फंड होगा इसका अर्थ यह हुआ कि वित्त वर्ष के खत्म होने से इसमें मौजूद राशि लैप्स नहीं होगी इस कोष का निर्माण स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर से प्राप्त होने वाली राशि से किया जाएगा पी एम में भेजी गई इस राशि का इस्तेमाल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं में किया जाएगा जिसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी शामिल है पी एम को लागू करने और उसके रख रखाव की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की होगी तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए अगला प्रश्न है एपीडा अपना पहला वर्चुअल व्यापार मेला आयोजित कर रहा है बताइए इसकी थीम क्या है इंडिया व्हीट एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंडिया राइस एंड एग्रो कमोडिटी इंडिया मस्टर्ड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या फिर इंडिया व्हाइट एंड एग्रो कमोडिटी इसका सही जवाब ऑप्शन बी इंडिया राइस एंड एग्रो कमोडिटी एपीडा यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपना पहला वर्चुअल व्यापार मेला आयोजित कर रहा है 10 मार्च को इसकी शुरुआत हो गई है एवं इसका समापन बारह मार्च यानी कल होगा भारत की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से इसका आयोजन किया जा रहा है इस मेले की थीम है इंडिया राइस एंड एग्रो कमोडिटी तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी अंतिम प्रश्न है दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगा किस देश ने बनाया है जापान चीन दक्षिण कोरिया या फिर अमेरिका इसका सही जवाब ऑप्शन ए जापान जापान ने फुगाकू नामक दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कम्प्यूटर बनाया है इस सुपर कम्प्यूटर को अनुसंधान हेतु उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया है जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान आर आई के ई एन और फुजिटसू ने छह साल पहले इस पर काम करना शुरू किया था फुगाकू ने सुपर कम्प्यूटर टॉप पाँच सौ की सूची में लगातार दो वर्षों से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है इसे उच्च रेजोल्यूशन लॉन्ग ड्यूरेशन और बड़े पैमाने पर सिमुलेशन को लागू करने के लिए विकसित किया गया है फुगाकू के शोध का एक हिस्सा कोविड 19 संबंधित परियोजनाओं के लिए समर्पित है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की खबरों में रही नीति घाटी और नेलांग घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में, कमें में जरूर भेजिएगा अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड